बड़ा शीरो तभी सुबह से ही सोया हुआ है क्योंकि मम्मी घर पे नहीं होती, तो ये बड़ा सैड सैड रहता है, सोता रहता है। तो कहाँ है शीरो, देखो कैसे सो रहा है। ओके सो गाइस, हमारा जो लैपटॉप है वो तो आ चुका है स्टोर पे, लेकिन एक दिक्कत हो गई। फाइनली शीरो ने मेरे को काट ही दिया। क्या ये? ओ मेरी चट्टी खा रहा है ये, ओए मेरी चट्टी चोर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? होप सभी लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। मैं नहा के एकदम मस्त रेडी हो चुका हूँ। एंड शिमारू को देखो कैसे सो रहा है। जी जी बारू, सो जा, सो रहा है शीशी मारू को देखो कैसे सो रहा है, आराम से सोने देते इसको। गए आज चंडीगढ़ क्योंकि आपको पता है हमारा गेस्ट हाउस जो है वो एकदम क्रैक क्रैक हो गया था, तो आज फाइनली वो खरीदने के लिए गए एंड होपफुली आज ले आएंगे एंड कल तक इंस्टॉल भी हो जाएगा। तो इसी चक्कर में बेचारा शीरो तभी सुबह से ही सोया हुआ है क्योंकि मम्मी घर पे नहीं होती, तो ये बड़ा सैड सैड रहता है, सोता रहता है। तो बेचारा देखो कहाँ है शीरो, देखो कैसे सो रहा है, इसको सोने देते हैं। एंड एक और चीज़, हमारा जो मैकबुक था मैंने कल ऑर्डर कर दिया था शॉप में, तो वो आज शाम तक बोला है आ जाएगा। बारिश की वजह से थोड़ा डिले हो गया, नहीं तो 3 बजे तक आने वाला था, मतलब अभी आधे घंटे में पहुंचने वाला था, बट अब थोड़ा बहुत लेट हो जाएगा। बट अब दिक्कत एक आ रही है ना, वैसे जो मेरे वाला मैकबुक है ना उसको मैं कहाँ सेल करूँ, क्योंकि मेरे को आज तो मिल जाएगा। मैंने सोचा था कि एक को इसको बेचूंगा एंड उसको खरीद लूंगा। मैं सोच रहा था कि जेब से पैसे नहीं दूंगा क्योंकि मेरे को पड़ रहा है 130-140 का मिल रहा है मेरे को वो जो नया वाला मैकबुक है जो मेरे को लेना है। तो ये वाले को मेरे को बेचना था आज एंड अब मैं सोच रहा हूँ इसको कहाँ बेचूँ। मैंने इतने सारे फोन तो घुमा लिए लेकिन अभी एकदम से इसको खरीदने वाला ग्राहक भी मुझे नहीं मिल रहा है। अब सोच रहा हूँ अगर तो मेरे को मिल जाता है कोई खरीदने वाला तो बेच दूंगा, नहीं तो देखते हैं क्या बनता है, नहीं तो फिर अपनी जेब से ही पैसे देके खरीदना पड़ेगा एंड फिर वेट करके एक दो दिन में इसको बेचना पड़ेगा कोई बंदा ढूंढ के जिसको खरीदना है। तो देखो मैं वहां से यहाँ आया तो अब ये यहाँ आके सो गया, मतलब जहां मैं जाऊंगा इसको वहीं सोना है आके वापस से। देखो यहाँ आके सो गया, अब शीरो वहां सो रहा था। चीची माली चीची चीची, देखो इसके गाल भी है, क्यूट क्यूट से देखो, ये इसके गाल है, इसके कान है जो कि बहुत बड़े बड़े होते जा रहे हैं, ये देखो ब्राउन हो चुके इसके कान, खुद ये वाइट है पूरा। मैंने आपको बोला था ना कभी कभी ब्लैक दिखता है क्योंकि लाइट्स की वजह से, अभी अच्छी लाइट है तो यहाँ पे दिख रहा है इसका रियल कलर, ठीक है इसके रियल रंग वाइट एंड ब्राउन। इसकी पूंछ भी थोड़ी सी पीछे से ब्राउन ब्राउन होती जा रही है थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे। और ये देखो चीची माली भूल ही गया था शीरो को खाना भी देना है, 2 बजे अभी 2:30 बज चुका है, तो भाई एकदम याद आ गया क्योंकि सो रहा था, ये भी मांग नहीं रहा था खाना, बेचारा सो रहा था ना, तो भी खाएगा, खा ले शीशी मालू खा ले, सॉरी। हो गया गाइस, अभी शीरो को पाए बोल के मैं निकल चुका हूँ जिम के लिए, मम्मी अभी तक आई नहीं है, तो बेचारा शीरो अभी इधर उधर बैठा घूम रहा है, खेल रहा है, खाना वाना दे दिया था मैंने उसको, अब निकल रहा हूँ जिम के लिए। जिम से आऊंगा फिर शीरो को कुछ और खाने को देंगे शीशु मारू पागल हो रहा है भाई, पता नहीं क्यों। अभी देखो मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ कुछ, ये देखो भाई ये आज मेरे पीछे पड़ा हुआ है मेरे को काटने के लिए, आजा। ओए देख रहे हो कैसे कर रहा है, आजा आया चीलो या लग तो नहीं दी हरामी कुत्ते मरियल, तेरी कीमत तूने मुझे काटा। देख रो ये हमेशा साला जैसे इसको डांटते, देखो छुप गया देखो से जीव दिखा रहा है कहीं से मेरे को। अरे यार भाई खून निकल गया, शिट अब मेरे को इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा भाई, शिट यार। मैं ट्राई कर रहा था कि भाई मेरे को इंजेक्शन ना लगवाना पड़े, बट फाइनली शीरो ने मेरे को काट ही दिया। ज़्यादा नहीं है ये, बट ऊफ नहीं ज़्यादा यार, ज़्यादा है, पर देखना आप लोग मेरे को कमेंट्स में बताना कि मेरे को इतने से के लिए लगाना चाहिए। वैसे ना मैं अभी इसको धो लेता हूँ जल्दी से शैम्पू से हैंड वॉश से, शायद ना हो फिर भाई। अब इस शीरो ने तो कांड कर ही दिया मेरे को काट के, पर अभी शीरो कहाँ है, शीरो शीशु मारू भाई कहाँ चले गया, शीशु मारू वो देखो साला कहाँ बैठा हुआ है। ये देखो भाई पूरे ब्लैक कमरे में एक सफेद बच्चा, गाइस ये पता पीछे से अगर तुम इसको देखोगे ना कभी पूरा पोलर बेयर लग रहा है। ऊपर खा क्या रही है, क्या ये? ओ मेरी चट्टी खा रहा है ये, ओए मेरी चट्टी चोर भाई, यार आदि साले कुत्ते मेरी चट्टी चोर, अरे चोर भाई इसके पास मेरी चट्टी कहाँ से आई, अरे भाई इस घर में चट्टी भी सेफ नहीं है क्या, अरे चोर भाई ओ मेरी चट्टी तो छोड़ दे, अरे आदि कुत्ते अरे चोर शीरो मत कर भाई बेस्ती करवा रहा है मेरी, अरे चट्टी छोड़ शिरो भाई कितना हरामी है ये, मेरे को चक्कर आ रहे भाई इसको गोल गोल घुमा के। शिरो जा प्लीज जा शिरो, मैं तेरे को मारना नहीं चाहता शिरो कुत्ते भाई। गाइस क्या है ये इंसान, मतलब सोच रहे हो मतलब क्या जानवर है भाई ये, भाई छोड़ दे यार साले, छोड़ शिरो मत कर प्लीज प्लीज मत कर यार, शिरो मत कर शिरो। उफ
फाइनली गाइज मेरी चड्डी की जान बच चुकी है। इसने पता कहाँ बाहर से निकाली भाई ये, मेरे को फेंकनी पड़ेगी वापस इसको, साफ की अच्छी बात है। ओके अब कहाँ पे, और अब भाई ये फिर लग गया वहां पे, पता नहीं क्या कर रहा है भाई ऐसा हरामी। देख देख ओए भाई अटैक कर रहा है, अभी देखना गाइस ये देखो 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 ये देखो अटैक कर रहा है, ओए ऊपर नहीं जाना, ओ देखो देखना इसको देखना 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 गाइस देखो गया चक्कर मारेगा, और ओ ये देखो क्या हो रहा है तेरे को भाई, इसको ना गाइस शाम शाम को मत जा वहां पे मत जा, देख तू कैसे लेट गया, क्यों क्यों कर रहा है भाई मेरे को परेशान, तू क्यों कर रहा है क्यों कर रहा है भाई इतना परेशान मेरे को, तू साले हरामी काट अलग से दिया इसने मेरे को, यार मेरे को लग रहा है इतना फर्क नहीं पड़ता, मैंने अभी भी धो दिया इसको शायद से, पर फिर भी हरामी देख रहा डरता भी डरता भी नहीं, देख रहा इसको हा, 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 डरता ही नहीं है भाई साला, मेरा पिता ही कैसे डरेगा, चल रेडी 3 2 1 ये देखो ये देखो ओ भाई साहब लगी तो नहीं तेरे को शिरो, क्योंकि तो मेरे को तो लगी नहीं, ओए देख रो कैसे कूद रहा है भाई फिर से मेरे को काटने के लिए कूद रहा है ये, ओए 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 मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ यार ये, आज मैं दूरी भाई मेरे को ना आज पहले जिम से भी आया था, ऊपर से इसने मेरे को और भगवा दिया, पूरा एक्सरसाइज आज यहीं पे हो गई भाई मेरी। ओह और गाइस क्या चल रहा है भाई, मैं इतने दिनों बाद व्लॉग्स में आया, तुम्हारा इस गेम तो मेरे को व्लॉग में लेता नहीं है, मेरे को खुद ही आना पड़ेगा भाई व्लॉग्स में आजकल। ओह भूख लग रही है क्योंकि मम्मी नहीं है, खाना कुछ खाया नहीं है, ऑर्डर किया है मैंने, और अब मेरे को वीडियो बनानी है। मैं ना गाइज अपना थोड़ा डेस्क साफ कर रहा था आज सुबह, वैसे दिखा तो नहीं सकता मैं आप लोग को बिकॉज मेरा जो ये रूम है ना न्यू, आप लोगों ने ऑलमोस्ट सबने देख लिया है, बट जब तक इसका एक पूरा परफेक्ट वो नहीं आता ना क्या बोलते रूम टूर, तब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। और भाई इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी बची है, जस्ट ये दिखा दो पीछे वाला जो एरिया ना वो पूरा खाली है अभी, उसमें बहुत कुछ आना है, बट क्या करें यार मेरे को तो डर इस चीज़ का लग रहा है कि मेरे को शिरो ने काट दिया है तो इसका कुछ यार दिक्कत ना होगा, बिकॉज मैंने सुना रेबीज वगैरह हो जाती है, बट यार क्या करवाना इंजेक्शन क्या लगवाना, मतलब मेरे को इंजेक्शन से डर नहीं लगता, डर इस चीज़ का है कि साला कौन जाएगा फिर कौन आएगा, पहले मेरे खुद के दांत भी तो कुत्ते जैसे हाँ वो लग रहा है ऐसे करूँगा ना अगर उससे से लग रहे भाई पूरे दांत उसकी तरह लग रहे, क्या बोलते उसको भेड़िया बोलते नहीं ऐसे कुछ बोलते, पता नहीं क्या बोलते। बाकी अब मैं वीडियो बनाने का ट्राई किया वीडियो बनाऊंगा, और आप लोगों को पता गाइस मैं बीमार था कल, और मैंने कल भाई 24 आवर्स लाइव स्ट्रीम्स की, मतलब 24 आवर नहीं बोल सकते उसको बिकॉज मैंने ट्राई किया 24 आवर का और फिर मैं सो गया लाइव पे, फिर मेरी लाइव खुद ही बंद कर दी आपके एएस गेमिंग ने, पता नहीं क्यों बिना पूछे बंद कर दी मेरी लाइव स्ट्रीम, और फिर जब मैं फिर से लाइव किया तो फिर मेरे को वीडियो बनाने जाना पड़ा, तो फिर मैं फिर वीडियो नहीं बना पाया। ये देखो भाई मैं लाइव पे ना सोया हुआ था, मैं तुम्हारे को दिखाता हूँ, ये देखो गाइस यहाँ पर स्ट्रीम पे मैं इसी डेस्क पे आराम से भाई सोया रहा आधा एक घंटा, ये देखो भाई मुंह खोल के सो रहा हूँ, और फिर क्या हुआ जब मैं उठा, ये देखो मैं उठा थोड़ा दूर, अरे पर मैंने देखा भाई क्या हो रहा है ये वो, और मैं सो गया वापस, और क्या हुआ कि देखो सोते सोते ही ना स्क्रीन ब्लैक हो गई मेरी, ये देखो पूरा स्क्रीन, अरे कर आ जा भाई ब्लैक स्क्रीन, स्क्रीन ब्लैक हो गई क्योंकि मेरा कैमरा डेड हो गया था, ये वाला जो ऊपर कैमरा है ना ये डेड हो गया, तो भैया आया कमरे में और भैया ने देखा बोल स्ट्रीम चली रही है ये क्या सीन है, और भाई बंदे ने भैया ने बंद कर दी, फिर मैंने फिर से स्ट्रीम करी, पर फिर मैंने ज्यादा की नहीं, मेरा मन नहीं करा फिर करने का, उस बार एक जब तुम एक स्ट्रीक वो टूट जाता है ना वक्त का वो टूट जाता है, फिर ऐसा करता है कि अरे अब क्या करने आ लाइव, भाई जो मैं यहाँ पर डेली लाइव स्ट्रीम भी करता हूँ, डेली तो क्या यार पहले मैं एक दो हफ्ता मैंने पूरा डेली किया, फिर अब मैं सोच रहा हूँ कि यार डेली करूंगा ना तो वो मजा नहीं आएगा यार, कुछ मतलब यूनिक से मेरे को लाइव स्ट्रीम्स करनी है, डेली करूंगा तो वो मजा नहीं आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि वीक में 2-3 बार बिकॉज भैया अभी अब डेली लाइव स्ट्रीम का चैलेंज ले रहा है, तो फिर अगर मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा उसी टाइम पे जिस टाइम पे भैया कर रहा है तो फिर मजा नहीं आएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया पहले लाइव करेगा और फिर भैया के सारे व्यूज मैं अपने ले लूंगा, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, पर हम अब मैं भी ट्राई करूंगा डेली लाइव स्ट्रीम का, बिकॉज मैं अपने चैनल पे तो करता नहीं हूँ, जो मेरा मेन चैनल है ये आर्मी उस पर तो नहीं करता मैं, ये साइलेंट पे करता हूँ, बहुत मस्त है मजा आता है वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर देना अगर आप फ्री फायर प्लेयर हो, वहाँ पे मैं बहुत सारी मस्त मस्त क्लिप्स डालता रहता हूँ और फ्री फायर क्या और भी चीज़ें भी डालता रहता हूँ भाई। अच्छा भाई क्या अब देखता हूँ मैं व्लॉग कर पाऊंगा नहीं और बढ़ूंगा, और हाँ यार कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरे को क्या और व्लॉग करना चाहिए इस चैनल पे, लाइक भैया के चैनल पे मेरे को व्लॉग्स करने चाहिए, बिकॉज देखो मैं खुद तो कभी व्लॉग करने वाला, मेरे को अच्छा लगता है व्लॉगिंग करना, बट भैया के चैनल पे आगे मेरे को बड़ा मजा आता है व्लॉगिंग करने में, और भाई तुम्हारा भाई ना आजकल मतलब मैं बता रहा हूँ जिम कैसे यार अच्छा ही होता है अपना शरीर दिखाना, मतलब भैया कितना थोड़ी रहा हूँ मैं, जो अपनी देखो मैं कितना मैं नहीं हूँ, मैं आई एम वर्किंग ऑन माई बॉडी, क्या बोलते हैं उसको, अरे बोलते हैं यार कुछ प्राइवेटली बोलते हैं ऐसे कुछ बोलते, ठीक है तो वो कर रहे हैं। और भाई मैंने चेन पहननी शुरू कर दी है, ये वाली चेन ना भैया की है, ऑलमोस्ट 3 साल पुरानी है, सस्ती तुम लोग ये मत समझना ये कोई महंगी चेन है, ठीक है बहुत सस्ती है, 1000-2000 रुपये की शायद से अमेज़न से मंगाई है, इसके लिए ना गाइस मैंने की चेन मंगाई है, बॉक्सिंग ग्लव की चेन मंगाई है इसके लिए, मतलब वो कीचेन नहीं बोलते क्या बोलते उसको,
छोटा सा पेंडेंट टाइप का मंगाया है, वो यहाँ पर लगेगा, बहुत सही लगेगा इसके साथ, अगर वो इसमें फिट हुआ तो काफी अच्छा लगेगा। और एक और चीज जो भैया ने ना मेरे बिना परमिशन के तुम्हारे को मेरे जूते दिखाए, जो भैया ने मेरे को शायद कल वाले व्लॉग में जूते दिखाए हुए थे ब्लैक वाले मेरे बॉक्सिंग के, सीन क्या पड़ा, जो पहले बॉक्सिंग शूज मंगाए वो मेरे को बहुत ज्यादा छोटे पड़ गए थे, लाइक डब्बे में वो मैंने मंगाए 8 नंबर के थे, आए 7 नंबर के, डब्बा 8 नंबर का था पर जूते 7 नंबर के थे, बिकॉज डब्बे में भी नंबर लिखा होता कितना नंबर का है और जूतों में भी लिखा होता। वो कंपनी बहुत अच्छी थी यार, कोबरा वाइपर कुछ कंपनी नाम था उसका, और 11,000-12,000 के जूते थे, बहुत सही जूते थे। फिर क्या हुआ, और उसके अलावा जितने भी जूते थे ना अमेजोन पे जितने मेरे को मिले वो सारे के सारे बहुत महंगे थे यार, लाइक 25,000-20,000 से ऊपर। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने बोला मंगा ले, भैया ने बोला ओ पागल है क्या। फिर यार मेरे को खुद भी ऐसा लग रहा है कि इतने महंगे नहीं मंगाऊंगा मैं इतने जल्दी, मैं मंगाऊंगा महंगे जूते तो मैं लूंगा, देखो लिख के लूंगा, मैं लेके तो रहूंगा 30,000-40,000 के जूते तो लूंगा मैं बॉक्सिंग के लिए, बट मैं तब लूंगा जब मैं अपने घर वालों को दिखा पाऊँ कि भाई मैं हूँ एक रियल बॉक्सर। एंड जितने बंदे मेरे को पूछते रहते हैं कि मेरे बॉक्सिंग मैच कब है, मेरा बॉक्सिंग मैच पता नहीं कब है भाई, मैं लिटरली अब एक बंदे के चक्कर में बैठा हूँ, वो मेरे को बताते बोलता रहता है कि हाँ मैचेस है, रुक जाओ मैचेस है, और मैचेस होते ही नहीं है। बाय द वे अगर आप हिमाचल से हो ना और आपको पता है कि बॉक्सिंग मैचेस कब होते हैं, या फिर आपको पता है बॉक्सिंग मैचेस कहीं पे होने वाले हिमाचल के अंदर, हिमाचल या फिर वैसे तो मैं हिमाचल में ही कर रहा हूँ बिकॉज मेरे को पता है अभी हिमाचल के बाहर बहुत ज़्यादा बॉक्सिंग होती है, बट मैं अभी तो मैं हिमाचल का ही सोच रहा हूँ। अगर आप हिमाचल के और आपको पता है हिमाचल में कभी कहीं पे अंडर 18 बॉक्सिंग मैचेस हो रहे हैं जहाँ पे कोई भी घुस सकता है तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं वहाँ पर आऊँगा और भाई ओ जीतूंगा तो मैं 99.99% 100% भी बोल सकता हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल ओवरलोडेड कॉन्फिडेंट हो चुका हूँ भाई, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं बोल सकते मेरे को, मैं ओवरलोडेड कॉन्फिडेंट हूँ भाई इतना ज़्यादा कि क्या बताऊं। और हाँ मैं ये बता रहा था कि वो वाले जूते भी और जो दूसरे वाले ब्लैक वाले मंगाए थे ना वो मेरे को बड़े आ गए भाई। अब मैंने मेरे को क्या लगा कि चलो 7 नंबर वाला नहीं आया, 8 नंबर का मंगा लेता हूँ, 8 नंबर का मंगाया वो वाला, और भाई अब वो बड़ा आ गया मेरे को इतना ज्यादा, मतलब उसका ना आगे वाला एरिया बहुत खुला है, मतलब ब्रेथ में तो ब्रेथ बोलते हैं उसको, ब्रेथ में तो बहुत सही है मतलब लेंथ में ज्यादा है। और फिर अब मैंने मंगा दिया एक और जूते, वो है अब वो सही होने चाहिए भाई, अगर वो सही नहीं है तो फिर तो भाई मैं रोने लग जाऊंगा भाई, फिर तो देख तो मैं आपको उसका अपडेट दूंगा कल के एक 3-4 दिन के व्लॉग के बाद क्योंकि वो लेट ही आएगा। ओके सो गाइस हमारा जो लैपटॉप है वो तो आ चुका है स्टोर पे, लेकिन एक दिक्कत हो गई है, दिक्कत ये है कि इनके जो रिलायंस वाले स्टोर पे ना अभी एप्पल का एक प्रॉपर सेक्शन नहीं बना हुआ, जैसे कि वो रिलायंस वगैरह क्रोमा वगैरह में अलग अलग ब्रांड्स के अलग अलग सेक्शन बने होते हैं, तो इनका एप्पल का सेक्शन बना नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये लोग अभी सेल कर रहे हैं। तो लैपटॉप का प्राइस है 1,35,000, तो ये लोग ना उसमें डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे, वो बड़ी दिक्कत वाली बात है, क्योंकि मेरे को चंडीगढ़ में ना क्रोमा पे मिल रहा था 1,05,000 या 1,10,000 का, ठीक है। एंड यहाँ पे यही दिक्कत है कि मेरे को डिस्काउंट नहीं मिलेगा, अगर डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो फिर फायदा क्या, जब मेरे को वहाँ पे 1,05,000 में मिल रहा है, यहाँ पर 1,35,000, मतलब 30,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं यहाँ पे मेरे को। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल चंडीगढ़ जाके वहीं से खरीद लूंगा, और वहाँ पे अच्छी बात यह कि वो मेरे लैपटॉप को भी एक्सचेंज कर रहे हैं, तो जो भी रेट देंगे उन्हीं को दे के मैं वहीं से लैपटॉप ले लूंगा, वहीं से ही पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो भाई 30,000 ज्यादा देने पड़ रहे हैं और साथ में एक्सचेंज भी नहीं हो रहा है ना मेरा लैपटॉप, ये दिक्कत है, मेरे को कहीं और बेचना पड़ेगा, फिर पता नहीं कहाँ बेचूंगा। तो कल जाएंगे चंडीगढ़, थार में घूमने नहीं गए बहुत टाइम से, तो थार को निकालेंगे, आई थिंक मेरे को लग रहा है 10-12 दिन से तो खड़ी है गाड़ी, क्योंकि ज्यादा फॉर्च्यूनर ही चला रहे हम लोग।